GHQ हमला केस में शेख रशीद और राशिद शफीक की जमानत मंजूर कर ली गई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने महफूज फैसला सुनाया है। खबर की दीगर तफसीलात फहद बशीर से जानेंगे। फहद बशीर, आगाह कीजिएगा, मंजूर कर ली गई है जमानत। देखिए बिल्कुल, रावलपिंडी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शेख रशीद अहमद के खिलाफ 9 मई के दर्ज मुकदमात की बुरी जमानतों का फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। थाना आरा बाजार में दर्ज मुकदमे में शेख रशीद और दीगर 25 मुलजमान की जमानत मंजूर हो गई है। शेख रशीद, शेख राशिद शफीक, नासिर गुरु समेत 25 मुलजमान मुकदमे में नामजद थे। शेख रशीद के खिलाफ दीगर 10 मुकदमात का फैसला कुछ देर में सुनाया जाएगा और यहाँ पे शेख रशीद में दीगर जो मुलजमान है उनके थाना सिविल लाइन में भी जो मुकदमा था दर्ज हुआ था उसकी भी जमानत मंजूर कर ली गई है। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा नंबर 981 दर्ज किया गया था और इससे जो इसकी सुनवाई कर रहे हैं जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज मलिक आसिफ एजाज जो है सुनवाई कर रहे हैं और वकला की जो टीम है इस वक्त उनके हमरा मौजूद है और जो फैसला है वो सुनाया जा रहा है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया फहद, खबर की तफसीलात आपने हमारे साथ शेयर की।